नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये है आईसर 485 HD की डिलीवरी शामली एजेंसी से। ये जो है दोस्तों बेस मॉडल है 485 का, सिंगल क्लच मॉडल और सादा है दोस्तों ये, मतलब के 5 स्टार नहीं है। और आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कितने RPM पे दोस्तों आपको ये ट्रैक्टर जो है चलाना चाहिए। एक तो दोस्तों ये बात, दूसरा दोस्तों कितने RPM पर ट्रैक्टर अपनी पूरी पावर निकालता है, इस बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसके जो ओनर है उनसे भी बात करेंगे, फाइनेंस पर ट्रैक्टर लिया है उन्होंने, कितने महीने की किस्त है और कितना डाउन पेमेंट जमा किया और कितने रुपए की किस्त बैठी है इस ट्रैक्टर की, सभी कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और अगर दोस्तों आपको पुराने ट्रैक्टर चाहिए तो पुराने ट्रैक्टर भी यहाँ पे खड़े हैं, मतलब कि आप अपना ट्रैक्टर ला के एक्सचेंज में नया ले सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके RPM के बारे में। एक भाई का दोस्तों कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि 485 को कितने RPM पे चलाना चाहिए, तो उसी के बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा। जैसा कि आपने देखा दोस्तों जो अभी एक्सीलेटर दिया था ट्रैक्टर का, तो इसके जो RPM हो रहे थे वो 2500 से थोड़ा सा पीछे हो रहे थे, मतलब 2400 के आसपास। सभी चीज़ दोस्तों आपको जो बता रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, टेक्निकल तरीके से। इस ट्रैक्टर के जो हाई RPM है दोस्तों वो है 2300 से 2400 के बीच में। और दोस्तों जो टॉर्क है इसका, टॉर्क इसका क्या दोस्तों, ज़्यादातर ट्रैक्टरों का टॉर्क जो है 1100 से, मतलब 1000 से 1400-1500 RPM तक अचीव हो जाता है। उसके बाद में क्या है, टॉर्क जो है ना दोस्तों घटना चालू हो जा। अगर दोस्तों आपको इस ट्रैक्टर की पूरी पावर चाहिए तो आपको इसे 2150 RPM पर चलाना होगा, मतलब रेटेड RPM जो है दोस्तों ट्रैक्टर के वो है 2150। और दोस्तों अगर आप रोड पर चला रहे हो इसे, तो मान के चलो आप जो 250 RPM बच रहे ना तो आप चला सकते हो, ताकि आपका सफ़र जो है वो जल्दी से कवर हो जाए। लेकिन अगर आप PTO पे या फिर ड्रा बार के इम्प्लीमेंट पे ट्रैक्टर को चला रहे हो तो, और 2400 RPM पर आप चलाते हो, तो आपके ट्रैक्टर के अंदर 99% चांस है दोस्तों सीवियर डैमेज होने के। ये केवल रोड के लिए है, 2150 पे भी दोस्तों चलाना नहीं चाहिए, वैसे आप चला सकते हो। 2150 RPM जो ट्रैक्टर के रेटेड RPM होते हैं वो बिल्कुल टेस्टेड होते हैं, ओके। लेकिन इसके बारे में दोस्तों एक वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर दो ट्रैक्टर नए आते हैं और एक को आप पूरा रेटेड RPM पर चलाते हो और दूसरे ट्रैक्टर को अगर आप मतलब 150 RPM कम चलाते हो, मानो 2485 एक 2000 पर चल रहा लगातार और एक चल रहा है 2150, तो 2150 वाले का इंजन दोस्तों थोड़ा जल्दी बैठ जाएगा उससे, ये बिल्कुल फैक्ट है। और 2000 वाले की दोस्तों जो है ना लाइफ ज़्यादा होगी। लेकिन आप नॉन स्टॉप कंटिन्यू 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे आप इंजन को रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रेटेड RPM पे, इतनी गारंटी तो दोस्तों रहती है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि 540 RPM पूछे हैं, मतलब 540 RPM कितने RPM पर निकाल रहा। 540 RPM के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ, ध्यान से समझियो, मतलब ये सभी ट्रैक्टरों पर लागू होती है। 540 RPM मान लो ये ट्रैक्टर है 2000 RPM पर निकाल रहा, आगे बचे 150 RPM या 1950 पर निकाल रहा तो 200 RPM बच गए। तो वहाँ पे दोस्तों अगर आप इस पे मतलब रोटावेटर चला रहे हो तो पूरी पावर आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ट्रैक्टर को 2000 RPM पर चला रहे हो रोटावेटर के साथ में, तो ये मान के चलो 41-42 HP के आसपास इसकी आपको मिलती है। ये दोस्तों डॉक्यूमेंट में मेंशन है, मैं आपको जो डॉक्यूमेंट में है वो ही सभी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पूरी पावर चाहिए तो आपको रोटावेटर की गरारी चेंज करनी होगी, मतलब के 2150 RPM पे 540 RPM निकलने चाहिए अगर आपको ट्रैक्टर की पूरी पावर का इस्तेमाल करना है। तो ये थी दोस्तों जानकारी RPM के बारे में, ध्यान देने वाली चीज़ है। बाकी आपको अगर किसी और ट्रैक्टर का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो ओनर है उनसे बात करेंगे, और वो आपको जो है ना कितना फाइनेंस करवाया, कितने का उन्होंने ट्रैक्टर पड़ा, कैसा उन्होंने किस्त बंधवाई,
सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए एक बार उनसे बात करते हैं। तो ये दोस्तों इनके ओनर हैं और इन्होंने फाइनेंस करवाया है। चलिए बात करते हैं इनसे एक बार। जैसे कि मैंने आपको सोनालिका का बताया था ना, DI 35 का, तो ये 485 इन्होंने लिया है। तो भाई अपना एक बार तो जोर से का बोलना थोड़ा सा, नाम बताओ। आशीष। आशीष। और गांव? सोहिनी जाटान। सोहिनी जाटान लल्लू खेड़े के पास में। तो ये बताओ आपको कितने का पड़ा है ट्रैक्टर? 685 का जी। 685 का। और फाइनेंस करवाया जो आपने लोन, वो कौन सी कंपनी से करवाया? महिंद्रा कोटेक्स जी। महिंद्रा कोटेक्स है, अच्छा। तो आप बता दो थोड़ा सा, आप बता दो किस्तों के बारे में, मतलब कैसा बैठा है साहब? नहीं, कितने की बैठी है आपकी किस्त? 14,600 की जी। ये तिहाई छमाही कैसा है महीने की? महीने की जी। एक महीने की जी 14,600 रुपये। और जमा कितने की आपने? 170 जी। 170 जमा की है और 14,600 की किस्त बैठी आपकी। कितने साल की? 4 साल की। 4 साल की, अच्छा 4 साल की बैठी है दोस्तों 14,600 की। और भैया किस यूज के लिए लिया, मतलब कहीं पर चलाओगे आप इसे? बट्टे पे चलाओगे जी। बट्टे पे जी। अच्छा, तो ये जो आपने तिमाही की बन जाती, तिमाही की क्यों नहीं बनवाई? तिमाही छमाही भी है ऑप्शन, महीने के में फायदा, महीने वाली में। अच्छा, 3 महीने के ज़्यादा देने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब ज़्यादा इस वजह से आपने, मतलब ज़्यादा देने की वजह से एक महीने में थोड़े छोटे कर गए। हाँ, तो दोस्तों ये भाई भी यही कह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा पैसे हो नहीं पाते किसान पे, सही बात है इनकी। तो इन्होंने भी जो है ना, इसलिए एक महीने की बंदवाई 14,600 की, ठीक है जी। और महिंद्रा कोटेक्स से इन्होंने जो है फाइनेंस करवाया, 170 बताए ना जी, 1,70,000 रुपये इन्होंने जमा किए हैं। सोहिनी जाटान में जा रहा है ट्रैक्टर, आईसर 485। और दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि कुछ भाई कमेंट करते हैं कि वहाँ पे इतने का मिल रहा, यहाँ पे महंगा है, वहाँ पे इतने का मिल रहा। तो दोस्तों ये जो आपको प्राइस बताए जाते हैं, ये होते हैं आस्किंग प्राइस। जब आप दोस्तों ट्रैक्टर लेने के लिए आओगे और डीलर से बात करोगे, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो। जितना प्राइस आपको बताया जाता है दोस्तों, उससे कम में ही आपको ट्रैक्टर मिलेगा, जाहिर सी बात है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कम करवा सकते हो। डीलर का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको डीलर से बात करनी है, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप बात कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।